नाम है हास्य योग। फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगी, मैं जहाँ पढ़ूंगी आपको ब्लू कलर से लाइन दिखाई देगी। ओके, आप पढ़ी कहा ग्राहकम प्रति, दुकानदार ग्राहक को कहता है। एतत् यंत्रम क्रीडातु, यह मशीन खरीदो। क्रयण योग्यम अस्ति, यह खरीदने योग्य है। ग्राहकः एतस्य का विशेषता अस्ति, इसमें क्या विशेषता है। आपणिकः एतत् यंत्रम भवतः 50% कार्यभारम अल्पम करिष्यति, यह मशीन तुम्हारा कार्यभार 50% कम कर देगी। ग्राहकः तर्हि कृपया द्वय यंत्रे ददातु, ग्राहक तो कृपया करके मुझे दो मशीनें दे दो। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। शिक्षकः छात्रस्य गृह कार्यं दृष्ट्वा, शिक्षक छात्रों का गृह कार्य देख रहे हैं। भवतः गृह कार्ये बहवः दोषः, तुम्हारे गृह कार्य में बहुत सी गलतियां हैं। तानि अपि भवान् एकः एव करोति, केवल तुम इतनी गलतियां करते हो। छात्रः महोदया एते सर्वे दोषः अहम् एकः एव न करोमि। छात्र महोदय से कहते हैं, ये सभी गलतियां मैं अकेले नहीं करता। गृह पाठ लेखन मम पिता अपि सहायतां करोति, गृह पाठ लेखन में मेरे पिता भी सहायता करते हैं। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। गृह स्वामी अतिथि प्रति भवान आगच्छति, गृह स्वामी अर्थात घर का मालिक अतिथि से तुम्हारा स्वागत है। श्वान भयम न अनुभवतु, उद्देश्य नहीं डरो। अतिथि क्या लिखा है, अतिथि किम सह न दसति, अतिथि यानी मेहमान क्या वह काटता नहीं है। गृह स्वामी तस्य दंसन स्वभाव अस्ति वा न वा इति अहम् अपि न जानामि, उसका काटने का स्वभाव है या नहीं मैं नहीं जानता। स्वभावस्य परीक्षणम् अधुना भविष्यति, क्योंकि उसके स्वभाव का परीक्षण अब होगा। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। एकदा दोर चोर द्वयम्, क्या लिखा है, एकदा चोर द्वयम् वित्तकोषे लुण्ठनम् करोति, एक बार दो चोर बैंक लूटते हैं। बहूनि रूप्यकाणि प्राप्नोति, वे बहुत सारा रुपया पाते हैं। गृहम् आगत्य वार्तालापम् करोति, घर आकर वे बात करते हैं। प्रथमः चोरः, प्रथम चोर कियत् धनं प्राप्तं तस्य ज्ञानार्थं धनगणनां करोमि, मैं धन गणना करता हूँ क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि मैंने कितना धन प्राप्त किया। द्वितीयः चोरः, दूसरा चोर व्यर्थ श्रमं मा करोति, बेकार में अर्थात व्यर्थ में मेहनत मत करो। श्वः वर्तमान पत्रे वार्ताम् आगमिष्यति एव, कल अखबार में खबर आएगी। ततः गणना ज्ञानम् भविष्यति, तब हमें गिनती पता चल जाएगी। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। यहाँ वृद्ध शंभुनाथ की और रमानाथ की दोनों की चर्चा चल रही है। ओके, वृद्धः शंभुनाथः, जो बूढ़ा शंभुनाथ है वो क्या बोल रहा है, मम पत्नी
मम भोजनस्य पश्चात् एव भोजनं करोति। मेरी पत्नी मेरे भोजन करने के पश्चात भोजन करती है। रमानाथा बोल रहा है, भवान भार्याया सह भोजनं न करोति वा? तुम अपनी पत्नी के साथ भोजन नहीं करते? शंभुनाथ तथा किमपि नास्ति, कभी नहीं। मम भोजनस्य पश्चात् सा भोजनं करोति, मेरे भोजन के पश्चात वह भोजन करती है। तस्य कारणम् अस्ति, इसका कारण है यतः आवयोः एका एव कृत्रिम दंतावली अस्ति, क्योंकि हम दोनों के पास दांतों की केवल एक ही जोड़ी है। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर